प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 10th में चैप्टर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.5 से बोर्ड एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। हमें यहाँ पर कुछ त्रिभुजों की साइड दे रखी है, तो ये बताना है साइडों को देख के कि इनमें से कौन कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनेगा और कौन कौन नहीं बनेगा। यदि हमारा कोई समकोण त्रिभुज होता है तो इसमें ये साइड सबसे बड़ी है, तो ये तो होती है कर्ण, और ये दो छोटी साइड है, इनमें एक लंब होता है और एक आधार होता है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग या शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो हमारा त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। क्लियर? तो जैसे पहला क्वेश्चन है, ये साइड दे रखी है इसमें 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। क्लियर? इसमें सबसे बड़ी साइड है हमारी 25, लिखेंगे सबसे बड़ी भुजा का वर्ग इक्वल टू, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर इक्वल टू 25 × 25 = 625 सेंटीमीटर। शेष तो छोटी भुजा है 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल इक्वल टू, छोटी यार 7 है, इलावा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। इन दोनों को प्लस करेंगे 6, 9, 15, 7, 4, 11 प्लस 1, 12 और 1, 6, 5, तो ये हो गया 625। तो यहाँ पर शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल बराबर है बड़ी भुजा के वर्ग के, तो यहाँ पर इन भुजाओं से जो त्रिभुज बनेगा वो समकोण त्रिभुज होगा, तो लिखेंगे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर है शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के इक्वल टू, ये हो गया 625। इसलिए दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज बनाएंगी। क्लियर? यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये सेकंड क्वेश्चन, यहां पर सबसे बड़ी भुजा हमारी 8, तो लिखेंगे सबसे बड़ी भुजा का वर्ग इक्वल टू 8² इक्वल टू 8 × 8 हो जाएगा 64। अब लिखेंगे शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग इक्वल टू, छोटी भुजा हमारी 3 है, इलावा 3 का स्क्वायर प्लस दूसरी छोटी भुजा है 6, इलावा 6 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 9 प्लस 36 हो जाएगा 45। तो यहां पर शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल आया 45 और बड़ी भुजा का वर्ग आया 64, ये दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर नहीं है शेष दो छोटी भुजाओं
के वर्गों के, इसलिए दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज नहीं बनाएंगी। क्लियर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हम अपने आप कर सकते हैं। क्लियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। ए बी सी एक सम दबाव त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, तो सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू टू ए सी स्क्वायर। यहाँ पर पहले बनाएंगे एक सम दबाव समकोण त्रिभुज इस प्रकार। यहाँ पर ये एंगल सी समकोण है, यहाँ दे रखा है, तो यहाँ नाम दे दिया हमने ए बी और ए सी। सम दबाव कहने का मतलब ए सी इक्वल टू बी सी होगी, तो लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समद्वाहु समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, वह ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी। सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू टू ए सी स्क्वायर। अब लिखेंगे उपपत्ति समकोण त्रिभुज ए सी बी में एंगल सी 90 डिग्री, ये हमको दिया है। क्लियर, जब ये समकोण त्रिभुज है तो ये हमारा ए बी कर्ण हो जाएगा, तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर होगा शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के, तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमें द्विरूप में ए बी स्क्वायर लाना है, तो ए बी स्क्वायर तुम्हारा ये आ गया, यहाँ लाना है टू ए सी स्क्वायर, यहाँ हमारा ए सी स्क्वायर है, ये बी सी स्क्वायर नहीं है, तो हमें बी सी स्क्वायर को यहाँ चेंज करना है। इसको चेंज किस में करेंगे, हमें दिया है ए सी इक्वल टू बी सी, तो यहाँ पर बी सी के स्थान पर यहाँ से ए सी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये बी सी स्क्वायर है तो यहाँ भी ए सी स्क्वायर हो जाएगा। लिख देंगे ए सी इक्वल टू बी सी दिया है। क्लियर, इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये हो जाएगा टू ए सी स्क्वायर, और ये हो गया हमारा ए बी स्क्वायर। यही हमें यहाँ प्रूव करना है, तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। क्लियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। एक संभाव त्रिभुज ए बी सी की भुजा टू ए है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहले हम बनाए फिगर, ये हमारा हो गया संभाव त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पर ये तीनों साइड बराबर होंगी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, क्योंकि संभाव त्रिभुज है। बोल रहा है प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करो। अब ये शीर्ष लंब क्या होता है, यहाँ हमारा ये ए पॉइंट ये शीर्ष है, ये बी पॉइंट ये भी शीर्ष है, और ये सी पॉइंट ये भी शीर्ष है। यदि हम बिंदु ए से सामने भुजा बी सी पर लंब डालें इस प्रकार, तो ये हमारा शीर्ष लंब हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम बिंदु बी से सामने भुजा ए सी पर लंब डालें तो ये हमारा ये भी शीर्ष हो जाएगा। क्लियर, इसी प्रकार यदि हम शीर्ष सी से सामने भुजा ए बी पर लंब डालें तो ये भी हमारा शीर्ष लंब हो जाएगा। क्लियर, तो ये फिगर में द्वारा बना रहा हूं यहाँ पर, और ये जो शीर्ष लंब है इसको मैंने नाम दे दिया ए डी, और ये एंगल 90 डिग्री का होगा। ये हो जाएगा बी डी इक्वल टू डी सी, ये दोनों बराबर होंगी, तो लिखेंगे संभाव त्रिभुज ए बी सी में भुजा
ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू टू ए, ये हमें दे रखा है। शीर्ष ए से सामने की भुजा बी सी पर डाला गया लंब इक्वल टू ए डी, ए डी क्लियर, इसलिए बी डी इक्वल टू डी सी क्लियर, या हम ये कह दें या बी डी इक्वल टू वन अपॉन टू बी सी, बी डी इक्वल टू वन अपॉन टू बी सी, इसलिए बी डी इक्वल टू वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बी सी का मान है यहां से टू ए, तो टू से टू डिवाइड हो जाएगा और ये हो गया ए। कहने का मतलब ये लंबाई बी डी ये हो गई ए और ये हमें दे रखी है टू ए और ये एंगल 90 डिग्री का है, क्लियर। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में ये हो जाएगा कर्ण, तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। हमें यहां पर निकालनी है शीर्ष लंब ए डी की लंबाई, तो हम यहां बी डी को ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, क्लियर। इसलिए ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ए बी हमारे यहाँ टू ए, तो यहाँ कर देंगे टू ए का होल स्क्वायर माइनस ये है बी डी स्क्वायर और बी डी हमने निकाल लिया यहाँ से ए, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर इक्वल टू टू ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर। देयर फोर ए डी इक्वल टू ये स्क्वायर यहां से हटाएंगे और यहां हो जाएगा स्क्वायर रूट का साइन थ्री ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा ए, तो ये लिया ए इंटू स्क्वायर रूट थ्री, क्लियर। यहां पर पूछ रहा है प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, तो यहां प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई हो जाएगी ए इंटू स्क्वायर रूट थ्री, लिखेंगे इसलिए प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई इक्वल टू ए इंटू स्क्वायर रूट थ्री और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, सिद्ध कीजिए कि एक सम चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा पहले कि सम चतुर्भुज क्या होता है। सम चतुर्भुज में चतुर्भुज की चारों साइडें चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उनके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को अर्धक करते हैं और 90 डिग्री पर प्रक्षेद करते हैं। यहाँ पर ये ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, इसमें ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल टू डी, ये चार भुजाएं आपस में बराबर होंगी और ये विकर्ण ए सी और बी डी यहाँ प्रक्षेद कर रहे हैं बिंदु ओ पर, तो ये जो एंगल होगा ये होगा 90 डिग्री का, ये भी एंगल 90 डिग्री का होगा, ये भी एंगल 90 डिग्री का होगा और ये भी एंगल 90 डिग्री का होगा। और ए ओ इक्वल टू ओ सी और ओ डी इक्वल टू ओ बी, लिखेंगे दिया है ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, वह भुजा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, वह विकर्ण ए सी तथा बी डी आपस में एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं, इसलिए ए ओ इक्वल टू ओ सी, ए ओ इक्वल टू ओ सी, वह
डी ओ इक्वल टू ओ बी, क्लियर, तथा एंगल ए ओ डी इक्वल एंगल डी ओ सी इक्वल एंगल सी ओ बी इक्वल एंगल बी ओ डी, ये सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे। एंगल ए ओ डी इक्वल एंगल डी ओ सी इक्वल एंगल सी ओ बी इक्वल एंगल बी ओ ए इक्वल टू 90 डिग्री। हमें प्रूव करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इक्वल होगा विकर्णों के वर्गों के योगफल के, विकर्ण ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है, लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति के लिए हम समकोण त्रिभुज ए ओ बी ले लें या बी ओ सी ले लें या सी ओ डी ले लें या डी ओ ए ले लें, इन चारों में से कोई भी समकोण त्रिभुज ले सकते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में यहां पर ए बी कर्ण हो जाएगा, तो लिखेंगे ए बी वर्ग इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। यहां पर हमने अभी लिखा ए ओ इक्वल टू ओ सी, जब ए ओ इक्वल टू ओ सी है कहने का मतलब ए ओ ए सी का आधा हो जाएगा, तो यहां लिख सकते हैं हम इक्वल टू ए सी अपॉन टू। इसी प्रकार यहां लिखा डी ओ इक्वल टू ओ बी, डी ओ इक्वल टू ओ बी, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डी ओ इक्वल टू बी डी अपॉन टू या बी ओ इक्वल टू बी डी अपॉन टू, दोनों बी डी के आधे हो जाएंगे, तो यहां लिख देंगे हम इक्वल टू बी डी अपॉन टू। अब यहां पर है ए ओ स्क्वायर, हमारा ए ओ बराबर हो गया ए सी अपॉन टू, तो हम यहां पर ए ओ के स्थान पर यहां से ए सी अपॉन टू लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार ओ बी स्क्वायर, और ओ बी आ गया हमारा बी डी अपॉन टू, तो यहां लिख देंगे हम बी डी अपॉन टू का होल स्क्वायर ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन फोर प्लस ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर अपॉन फोर, क्लियर। इन दोनों का लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा फोर, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और ये आ गया ए बी स्क्वायर के, क्लियर। अब यहां पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा फोर ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, क्लियर। अब यहां पर ये है फोर ए बी स्क्वायर, क्लियर। हमने यहां लिख दिया कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, क्योंकि ए बी सी डी ए समचतुर्भुज है, तो यहां पर फोर ए बी के स्थान पर हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, क्लियर, ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर हम बी सी के स्थान पर यहां से ए बी लिखते हैं, सी डी के स्थान पर यहां से ए बी लिखते हैं, और डी ए के स्थान पर यहां से ए बी लिखते हैं, तो द्वारा से उनको प्लस करें तो फोर ए बी स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर, इक्वल टू ये है ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था भुजाओं के वर्गों का योगफल, भुजाएं ए बी का वर्ग, बी सी वर्ग, सी डी वर्ग, डी ए वर्ग, ये आ गया, उनके विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर है, विकर्ण है ए सी तो यह आ गया ए सी वर्ग, और दूसरा विकर्ण है बी डी तो ये हो गया बी डी वर्ग, क्लियर। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमें प्रूफ करना था वो हो चुका।
तो यहां लिख देंगे हम प्रूव्ड। क्लियर, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 1 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करो। यहाँ पर पहले हम बनाते हैं फिगर। ये 8 मीटर ऊंचाई की हमारी कोई दीवार है, यहां पर कोई खिड़की है, खिड़की, ये 10 मीटर लंबी कोई सीढ़ी है, ये सीढ़ी। तो ये पूछा है क्वेश्चन में कि दीवार के आधार से, दीवार का आधार ये हो गया, सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, सीढ़ी का नीचे का सिरा ये हो गया, तो ये पूछ रहा है ये दूरी कितनी होगी। तो हमने इसको नाम दे दिया, माना हमारी कोई दीवार ए भी है और बिंदु बी पर ये खिड़की है, और सीढ़ी को नाम दे दिया हमने बी सी। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ये हमने एक्स मान ली। क्लियर, तो लिखेंगे माना सी बी 10 मीटर लंबी सीढ़ी है जिसका ऊपरी सिरा 1 मीटर ऊंचाई पर स्थित किसी खिड़की तक पहुंचता है। क्लियर, वह दीवार के आधार से, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी इक्वल टू एक्स मीटर, ये हमने यहां एक्स मीटर मान ली। अब ये त्रिभुज बन रहा है बी ए सी, ये बन गया है एक समकोण त्रिभुज। लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी ए सी में, यहां पर लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, यहां पर ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो ये लिखेंगे हम बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बी सी, बी सी दे रखा है 10 मीटर, तो ये जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ए सी हमने मान ली एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी है 8 मीटर, तो ये जाएगा 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हो गया 100 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। 64 को करेंगे ट्रांसफर, ये हो जाएगा 100 माइनस 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 100 माइनस 64 ये आएगा 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। Therefore, x इक्वल टू स्क्वायर रूट 36 इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट आएगा 6, तो ये हो गया 6 मीटर। क्लियर, तो लिखेंगे इसलिए दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी इक्वल टू 6 मीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर दिशा की ओर 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। पूछ रहा है 1/1.2 मतलब 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी।
यहाँ पर हम यहां मान लें एक हवाई अड्डा, इस साइड में हो गया पूरब और यहां से इस साइड में हो गया पश्चिम, ऊपर की तरफ हो गया उत्तर और नीचे की तरफ हो गया दक्षिण। ये हो गया हमारा हवाई अड्डा। एक हवाई जहाज हवाई अड्डे से 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उत्तर दिशा में जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। इस साइड में इसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरा हवाई जहाज इसी हवाई अड्डे से उसी समय 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है पश्चिम दिशा में। इस साइड में इसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। तो ये पूछ रहा है कि डेढ़ घंटे के बाद, डेढ़ घंटा ये हवाई जहाज उड़ा उत्तर की ओर और डेढ़ घंटा दूसरा हवाई जहाज उड़ा पश्चिम की ओर, तो डेढ़ घंटा उड़ने के बाद दोनों हवाई जहाजों की जो बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी। मतलब माना ये हवाई जहाज पहुंच गया यहाँ पर और ये आ गया डेढ़ घंटे में यहाँ पर, तो ये दूरी कितनी होगी ये पूछ रहा है। डेढ़ घंटे में दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा कि पहला हवाई जहाज डेढ़ घंटे में कितनी दूरी उड़ा और दूसरा हवाई जहाज डेढ़ घंटे में कितनी दूरी उड़ा। तो पहले हमें ये दूरी निकालनी पड़ेगी यहां से लेके यहां तक, और ये दूरी निकालनी पड़ेगी यहां से लेके यहां तक पूरा, ये कितनी है। तो लिखेंगे उत्तर दिशा में उड़ने वाले प्रथम हवाई जहाज की चाल इक्वल टू 1000 किलोमीटर पर आवर, इसलिए एक सही 1/2 घंटे, मतलब 3/2 घंटे में प्रथम हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल है हमारी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा मल्टीप्लाई, समय है 3/2, 2 से काटेंगे 1000 को 500 बार, तो 500 गुणा 3 ये हो जाएगा 1500 किलोमीटर। कहने का मतलब जो हवाई जहाज उत्तर दिशा में उड़ रहा है वो डेढ़ घंटे में जाएगा 1500 किलोमीटर, क्लियर। अब निकालेंगे जो पश्चिम दिशा में हवाई जहाज उड़ रहा है वो डेढ़ घंटे में कितना चला, तो लिखेंगे पश्चिम दिशा में उड़ने वाले दूसरे हवाई जहाज की चाल इक्वल टू, ये दे रखिये हमें 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए 3/2 घंटे में हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू चाल गुणा समय, चाल 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है डेढ़ घंटा मतलब 3/2, काटेंगे इसको 2 से 1200 को 600 बार, तो ये हो जाएगा 600 गुणा 3 बराबर 1800 किलोमीटर, क्लियर। तो जो हवाई जहाज पश्चिम दिशा में उड़ रहा है वो डेढ़ घंटे में जाएगा 1800 किलोमीटर, क्लियर। इसका फिगर ये बन जाएगा, तो डेढ़ घंटे में दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी जो होगी वो हो जाएगी ये, क्लियर। ये मान लिया हमने बिंदु सी, तो यहां पर हमें निकालना है बीसी की दूरी, यहां पर ये एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का, क्लियर। तो ये बन गया बी ए सी एक समकोण त्रिभुज, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज
बी ए सी में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर क्लियर इक्वल टू ए सी, ए सी है हमारा 1800, तो यहां हो जाएगा 1800 का स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी है 1500 किलोमीटर, यहां लिखेंगे 1500 का स्क्वायर क्लियर इक्वल टू 1800 का स्क्वायर करने के लिए हम करेंगे पहले 18 का स्क्वायर, तो ये आएगा 324, यहाँ पर 2 जीरो है तो स्क्वायर करने के लिए यहाँ जाएंगी 4 जीरो क्लियर प्लस अब करेंगे हम 1500 का स्क्वायर, इसके लिए हम करेंगे पहले 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 225, यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ स्क्वायर में कर देंगे हम 4 जीरो क्लियर इक्वल टू, अब इनको प्लस करेंगे तो यहाँ ये 4 जीरो ये आ गई क्लियर, 5 और 4 9, 2 और 2 4 और 2 और 3 5 क्लियर, ये आ गया हमारा बीसी स्क्वायर, हमें निकालना है बीसी, तो यहां से स्क्वायर उठाएंगे और यहां लग जाएगा स्क्वायर रूट का साइन, अब हमें इस संख्या का निकालना है स्क्वायर रूट, तो इसको ले सकते हैं हम 549 मल्टीप्लाई ये 4 जीरो है और 4 जीरो को लिख देंगे हम 10,000 के रूप में, अब 549 के करेंगे फैक्टर तो ये हो जाएंगे 3 × 3 × 61 मल्टीप्लाई ये है 10,000, तो 10,000 को लिख लेंगे हम 100 × 100 क्लियर, इसका निकालना है हमें स्क्वायर रूट, तो 3 3 का पेयर 1 बन गया और 100 का पेयर 1 बन जाएगा इक्वल टू, यहां से 1 3 बाहर निकाल लेंगे और यहां से 100 बाहर निकाल लेंगे और ये 61 आ जाएगा स्क्वायर रूट के साइन के अंदर, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 3 × 100 × 61 ये हो गया किलोमीटर लिखेंगे, इसलिए 1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी इक्वल टू 300 × √61 किलोमीटर क्लियर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे, इसी प्रकार जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.5 में वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।